बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइन फार्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों आज मैं आपको इम्पोर्ट्स पॉइंट्स के मुताबिक बताऊंगा कि आपने एस सी आर फाइल ऑटो कैड की आपने कैसे बनानी है, और टेक्स्ट फाइल जो आपके पास आप देखते हैं, आपके पास ए सी एस फाइल सी एस वी फाइल होती है जिसके अंदर आपके पास नॉर्थिंग ईस्टिंग कोऑर्डिनेट्स उसके होते हैं, डिस्क्रिप्शन और उसका सारा कुछ लिखा हुआ होता है। तो उस पॉइंट्स को आपने ऑटो कैड के अंदर कैसे बनाना है, ये एस सी आर फाइल आपने कैसे बनानी है इसके अंदर, और इसके ज़रिए आपने ऑटो कैड के अंदर आके इसको इम्पोर्ट कैसे कराना है। तो मैं इधर आपको इम्पोर्ट करके बता देता हूँ, जैसे पहला उसके बाद मैं आपको फाइल करके बताऊँगा। आपने जैसे टूल्स के अंदर आ जाना है और इधर आप देख रहे हैं ये रन सबस्क्रिप्ट की आपके पास फाइल होगी, आपने उसको क्लिक करना है। तो इधर आपके पास जिधर कंप्यूटर के अंदर ये फाइल बनी होगी, आपने इस फाइल को जैसे जस्ट सिलेक्ट करके इधर से ओपन करना है, और ओपन करने के बाद थोड़ा सा आपने वेट करना है तो आपके पॉइंट सारे ऑटोमेटिकली ऑटो कैड के अंदर इंपोर्ट हो जाएंगे। पॉइंट इंपोर्ट हो गए हैं, जूम एक्सटेंड करता हूँ मैं इधर से, तो ये आप देखेंगे सारे पॉइंट्स मेरे पास इधर ड्रा हो गए ऑटोमेटिकली। तो ये बहुत सिंपल सी फॉर्मेट है, आपने इधर कमांड बार के अंदर एस सी आर दोबारा टाइप करना है। ये मैं न्यू विंडो के अंदर आऊँगा और दूसरी फाइल को भी करूँगा, इधर शॉर्ट की एस सी आर आप इसको इंटर करेंगे तो ये पहले हमने ऊपर वाली की थी सेकंड नंबर के ऊपर वर्ड अलाइनमेंट्स, उसको मैं जैसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है मेरे पास। इधर इसको आपने कैसे करना है, इधर से आपने इसको ओपन कर देना जस्ट, तो आपके सामने थोड़ा सा वेट आप करेंगे तो आपके सामने पूरे पॉइंट्स ड्रा हो जाएंगे। इससे पहले मैं बता दूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। आपने थोड़ा सा वेट करना है तो ये आपको पॉइंट सारे ऑटोमेटिकली इधर ड्रा हो जाएंगे। तो उसके मुताबिक मैं पूरा बताऊंगा कि आपने एस सी आर फाइल को कैसे बनाना है और कैसे उसको आपने ऑटो गाइड के अंदर सिंपल वे के जरिए एस सी आर के जरिए आपने उसको इंपोर्ट कर लेना है, किसी किस्म की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी पॉइंट्स हमारे इम्पोर्ट्स हो गए हैं, जैसे आप जूम और एक्सटेंड मैं करता हूँ, जैसे आप ये देखेंगे पूरे पॉइंट्स मेरे पूरी अलाइनमेंट ड्रा होगी, और ये आप इसको जूम करेंगे तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो आप इस पॉइंट्स को कैसे ऑटो कैड के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं उसके मुतालिक मैं आपको बताता हूँ। आपके पास जो भी सी एस वी फाइल है कोऑर्डिनेट्स वगैरह की, तो इस फाइल्स के लिए हमें आप जब इधर आते हैं एस फाइल के अंदर, तो आप ये देख लें कि इसके अंदर ईस्टिंग नॉर्थिंग और एलिवेशन जस्ट इसके अंदर ये पॉइंट है और कॉमा के साथ पॉइंट है। तो आपने आपको ये पॉइंट्स चाहिए, अगर आपके पास एक्स वाई जेड या एक्स वाई जो भी पॉइंट्स हैं, आपके पास टू डी पॉइंट्स हैं या थ्री डी पॉइंट्स आप लगाना चाहते हैं, तो उसके ज़रिए आपने इस फाइल को कैसे बनाना है। अगर आपके पास एक्सेल के ऊपर फाइल है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपके पास जो नोट पैड वाली फाइल है ये कोऑर्डिनेट्स वाली, इस फाइल को आपने इधर ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपने कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और इधर से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इधर से एक्सेल के ऊपर आ जाना है, और इधर से न्यू फाइल के ऊपर आपने इधर आना है, न्यू फाइल के ऊपर आपने आ जाना है इधर, और इधर आपने राइट क्लिक करके इसको इधर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके सारे कोऑर्डिनेट्स आपके एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं सारे। तो आपने इस लाइन को इधर से सिलेक्ट कर लेना है, डेटा के ऊपर आ जाना है, और इधर से टेक्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करना है, जैसे आपने नेक्स्ट कर देना है। आपके पास स्पेस है तो आपने इधर स्पेस रखनी है, कॉमा फाइल है तो आपने कॉमा करके इसको अपने कॉलम्स के अंदर आपने ले आना है। अगर आपके पास जो डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा हुआ है तो आपने उसको भी इधर से चेंज करके सिर्फ जो वैल्यूज़ होंगी उधर से आपने इसको बनाना है। बनाने कैसे, सेल आप इसके अंदर ऐड कर देंगे सेल तो वो आपका ऐड हो जाएगा अगर आपके पास इधर लिखी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करके फिनिश कर देना, तो आप देखेंगे हमारे पास ये सारे कोऑर्डिनेट्स पूरे इधर उसके अलग अलग सेल्स के अंदर आ गए। उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अंदर से इंटर कर देना है, तो जो पहला आपका होगा कोऑर्डिनेट्स वो आपकी ईस्टिंग होनी चाहिए, सेकेंड नंबर के ऊपर जो होगी वो आपकी नॉर्थिंग होगी, और थर्ड नंबर के ऊपर आपका एलिवेशन होगा। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास जो से भी डेटा होगा उस डेटा को आपने इस तरीके से ईस्टिंग नॉर्थिंग और एलिवेशन आपकी वैल्यूज इधर आ रही है। इसके बाद आपने ये जो नंबर लिखे हुए हैं इधर से इसको, और जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है या जो भी आपके पास फालतू चीज़ें होंगी उसको आपने इधर से ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपने इधर से इज इक्वल टू करना है, और इधर से आपने पहले ईस्टिंग वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है, एंड लगाना है, डबल कामा सिंगल कामा डबल कामा, उसके बाद एंड लगाना है, नॉर्थिंग की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है, एंड लगाना है, इसी तरीके से डबल कामा सिंगल कामा डबल कामा कीबोर्ड की मदद से एंड, और आपने जैसे एलिवेशन को सिलेक्ट करके कर देना। उसके बाद इसको आपने डबल क्लिक करके आप थोड़ा सा कॉलम को बड़ा कर दें, और जैसे आप इसको पेस्ट करके नीचे भी लेकर आ सकते हैं, और डबल क्लिक करेंगे तो ये नीचे तक आपके जितने पॉइंट्स होंगे सारे आपके हो जाएंगे। डबल क्लिक आपका तब होएगा कि आपका इसी सेल के साथ आपने इसको बनाया हुआ होगा। तो इसको आपने इस तरीके से फॉर्मेट के ऊपर ले आना है। इसी तरह आप ये देखेंगे अभी हमारे पास ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन हो गए हैं,
और CSV की शक्ल में वो आ गए। तो आपने इधर से उसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपने इधर आ जाना है और नोट पैड को इधर से ओपन कर लेना है। नोट पैड को ओपन करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, तो ये उसके अंदर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इस पॉइंट्स इसको सेव एज कर देना है, सेव एज कर देना है। आपने सेव करना है, अगर मैं फोल्डर न्यू बना देता हूँ, ये डेटा फोल्डर, मैं इसका नाम रख देता हूँ डेटा फोल्डर। आपने जैसे इसको बना देना है, कोई भी आपने नाम रख देना है, उसको ओपन कर देना है। नीचे आपने इसके फाइल नेम के ऊपर आ जाना है, और इधर आपने जो भी आप इधर रखना चाहते हैं XYZ और डॉट आपने SCR इसके साथ लगा देना है। आपने ये ख्याल रखना है SCR आपने लगाना है, जो भी नाम देंगे उसके बाद डॉट लगाना है और SCR लगाना है। फिर इसके बाद आपने जैसे इसको सेव कर देना है, सेव करके करेंगे तो ये आपके पास प्रोग्राम डेटा जो सेव हो जाएगा। ये डेटा फोल्डर मैंने बना दिया था, आप ये देखेंगे SCR फाइल सेव हो गई। आप इसको जैसे क्लिक करके ओपन कर लेना है, और जैसे आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद ऊपर आपने इधर मल्टीपल पॉइंट की आपने कमांड लगानी है, MUL मल्टीपल स्पेस दे देना है और पॉइंट आपने इधर लगा देना है, लिख देना है ऊपर। लिखने के बाद आपने इधर से इसको जस्ट सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप इसको क्लोज कर दें, तो आप देखेंगे हमारे पास ऊपर इसकी कमांड आ गई, और ये SCR फाइल हमारे पास इधर क्रिएट हो गई है डेटा के अंदर, डेटा फोल्डर के अंदर हमने इसको बना दिया। आपने ऑटो कैड को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद इधर से मैं न्यू फाइल के ऊपर आता हूँ, तो इधर से आपने इस फाइल को अगर इम्पोर्ट कराना है तो उसका आपने टूल्स के ऊपर आ जाना है, और इधर से रन सब्सक्रिप्ट को आपने इधर से क्लिक कर देना है। तो आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा नीचे आपकी फाइल्स और फाइल्स ऑफ टाइप आपको नज़र आ रही हैं SCR। आपने इधर से डेटा फाइल के अंदर आपने आए हैं, तो ये आपने SCR फाइल बना दी थी। आपने जस्ट इधर से इसको क्लिक करना है, इधर से आपने ओपन कर देना है। ओपन करेंगे तो आपने 1-2-4 सेकंड आप वेट करेंगे, डेटा के हिसाब से अगर पॉइंट ज़्यादा हैं तो वो आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाएगा। इधर इम्पोर्ट हो गई है, आपने ये आप देखेंगे आपके सामने सारे पॉइंट्स इधर से इम्पोर्ट हो गए हैं। आप इधर से पॉइंट का स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हैं, आप पॉइंट का स्टाइल इधर से चेंज करते हैं, तो ये आपके पास सारे पॉइंट्स उसी तरीके से आ जाएंगे जिस तरीके से जो भी आप पॉइंट रखना चाहते हैं। इसी तरीके से सेकंड नंबर के ऊपर हम आते हैं, इधर हमारे पास ये रोल अलाइनमेंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये स्पेस की फाइल है। वो पहली जो फाइल थी हमारी वो कॉमा डेलिमिटेड फाइल थी, और ये जो दूसरी फाइल है हमारे पास वो स्पेस फाइल है। उसको भी आपने सेम टू सेम वही वर्किंग करनी है। इसको आपने जैसे कॉपी कर लेना है, कंट्रोल ए कर लेना है जितने भी पॉइंट्स हैं। इसके बाद आपने इसको कॉपी करके एक्सेल के ऊपर आ जाना है, और न्यू फाइल के ऊपर आ जाना है। आपने मैं न्यू के ऊपर आ जाता हूँ, उधर से न्यू के ऊपर आपने आ जाना है, और इधर आपने इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो सेम टू सेम वही वर्किंग आप करेंगे इसके अंदर। आप देखेंगे अभी ये सारे इकट्ठे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आपने जैसे पूरा उस कॉलम्स को जिसके अंदर आप पेस्ट करेंगे सेव कर देना है, और जैसे आपने डाटा के ऊपर आना है टेक्स्ट टू कॉलम, इधर से आपने नेक्स्ट करना है। तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली डेलिमिटेड है, तो आपने डेलिमिटेड कर देनी है। फिक्स वर्थ है तो आपने नीचे फिक्स वर्थ ऑटोमेटिकली आपका सेलेक्ट हो जाएगा। आपने इसको नेक्स्ट करेंगे तो नीचे आप देखेंगे ये सारे आपके कॉलम्स की शक्ल में आ रहे हैं। अगर आपके पास ई लिखा हुआ है या एन लिखा हुआ है जैसे, तो आपने उसके कॉलम एक और ऐड कर देना है इसके साथ, उसको सबमिट करके नेक्स्ट करके फिनिश कर देना। तो ये आपके कॉलम सारे फार उसी अलग अलग कॉलम्स के अंदर आ जाएंगे। तो ऊपर आप देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड, आपके पास ख्याल रखना है कि एक्स वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू आपके पास पहले नंबर पे हो। इधर आपने लास्ट पे आ जाना है, और सेम टू सेम वही वर्किंग इज इक्वल करना है स्ट्रिंग सेलेक्ट करके एंड डबल कामा सिंगल कामा, उसके बाद आपने डबल कामा लगा देना है, फिर एंड लगाना है, नार्थिंग की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है, फिर एंड डबल कामा सिंगल कामा डबल, और उसके बाद एंड, और उसके बाद आपने एलिवेशन इंटर कर देना है, और उसी सेल को आपने वर्किंग इसको खोल के बड़ा करके और उसको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद ये आप इसको माउस की मदद से नीचे तक लेके जा सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास पॉइंट बहुत ज़्यादा है, ये तकरीबन मेरे पास 6000 पॉइंट्स हैं, 56,5649 पॉइंट है। तो आपने इसको इधर से कॉपी कर लेना है, और इधर इसी तरीके से नोट पैड को आपने ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी के ज़रिए। कंट्रोल वी के ज़रिए आप इसको पेस्ट करेंगे, ये आपके फाइल पूरा आ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स आप ये मेरे पास नीचे शायद कोऑर्डिनेट्स एक दो उसके सिलेक्ट नहीं हुए थे, तो आपने उसका ख्याल रखना है। आपके सामने इधर इसी तरीके से ये पॉइंट्स इधर आ जाएंगे। आपने इसको ऊपर इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने इधर से पॉइंट डेटा के अंदर जो सी फाइल हमने बनानी है इसका आप नाम दे देंगे, रोड अलाइनमेंट या जो भी आप नाम देना चाहते हैं, और उसके बाद आपने डॉट लगाना है और SCR आपने इसके साथ लगा देना है। SCR लगाएंगे आप करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास पहली फाइल इधर बनी हुई है, दूसरी फाइल भी आप उसको सेव करेंगे वो फाइल उधर क्रिएट हो जाएगी। आपने इधर डेटा फोल्डर के अंदर आ जाना है, इधर आप देखेंगे हमारे पास रोल अलाइनमेंट की दूसरी फाइल भी क्रिएट होगी। इधर से आपने इसको ओपन करने के बाद
इंटर कर देना है और इधर आपने मल्टीपल पॉइंट आपने इधर लिख देना है। लिखने के बाद आपने इसको जैसे सेव कर देना है और सेव करने के इसके बाद क्लोज कर देना, तो ये SCR फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। आप कोई भी डेटा आप इंपोर्ट कराना चाहेंगे इसकी SCR फाइल आपने इसी तरीके से बनानी है। उसके बाद आपने ऑटो कैड के ऊपर आ जाना है, इधर से आपने न्यू के ऊपर क्लिक करके न्यू विंडो खोल लेनी है। आपने कमांड बार के अंदर SCR टाइप कर देना है तो आपके पास ये जिधर फोल्डर में आपके पास सेलेक्ट करनी होगी आपने उसे ब्राउज करके उधर आ जाना है, या आपने टूल्स के ऊपर आना है और इधर से आपने रन सब्सक्रिप्ट के ऊपर आपने इधर से क्लिक कर देना है। इसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास वही आ जाएगा। तो आपने इधर से वही फाइल जो आप करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करके इधर से आप ओपन कर दें और थोड़ा सा आपने इधर वेट करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है। आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो वो पॉइंट इंपोर्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने जूम इंटर और ई इंटर कर देना है, स्पेस दबा देना है, जूम इंटर ई इंटर करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास सारे पॉइंट्स उसके उसी तरीके से इंपोर्ट्स हो गए जिस तरीके से जोन सी फाइल हमारे पास बनी हुई थी। तो आपने इस फाइल्स को इसी तरीके से इंपोर्ट्स करवा सकते हैं, जो जोन सी फाइल ये जिस तरीके से भी है ये मैं आपको करके बताएंगे सारी। तो ये पूरा डेटा आपका उसी तरीके से काम करेगा। इसके अंदर आपने SCR फाइल जिस तरीके से बनानी है उसका मैंने तरीकाकार आपको बता दिया। आप इधर से ओपन करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आ जाएँ, इधर से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं और इधर से आपने इसको ओपन करके जो से भी कोऑर्डिनेट्स हैं आप इसके अंदर पेस्ट कर दें। उसको आपने सेव एज करना है और सेव एज करने के बाद ऊपर आपने इसका नाम दे देना है। कोई भी नाम देने के बाद आपने डॉट SCR इधर लगा देना है। SCR लगाने के बाद आप इसको सेव करेंगे, ये आप देखेंगे ऊपर आपके पास वो डेट सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने इन पॉइंट्स को इम्पोर्ट्स कराना है तो ऊपर आपने जस्ट इसके ऊपर कमांड देनी है इसकी मल्टीपल पॉइंट की और इधर से ऑटो गाइड को कराना है और आपने SCR कमांड बार के अंदर टाइप करना है SCR। तो ये आपके पास जो सी पॉइंट आप सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट करने के बाद आपके ऑटोमेटिकली पॉइंट्स इधर जस्ट 2 से 4 सेकंड के अंदर आपके प्लॉट हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है और मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर कर देना है। अल्लाह हाफिज़।